तो आज हम सीख रहे हैं सी प्लस प्लस में एक एमसीक्यू ऐप कैसे बना सकते हैं, बेसिक वर्जन उसका। यहाँ से एक न्यू फाइल ले लें सोर्स में, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड सही है, यूजिंग नेम स्पेस एस डी प्रोसीजर मेन ले लेंगे। यहाँ से इसके दो ब्लॉक पैकेज बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट लेसन एंड लाइन, सिस्टम को पास करेंगे ताकि एप्लीकेशन थोड़ी देर के लिए रुक जाए, फ्रेश आईडी की तो कंटिन्यू लिखा है और रिटर्न जीरो करेंगे। ये हमने अपना एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना लिया, सेव कर लेते हैं फाइल को फोल्डर में नॉइस क्लास फाइव एमसीक्यूज ऐप। सबसे पहले सी आउट किया, लेजर लेजर एक मैसेज दिखाया, एम सी क्यूज ऐप यहाँ पे सबमिट कॉलन दिया, सी आउट लेजर लेजर यहाँ पर हमने एंड लाइन दिया, यहाँ पे लेजर लेजर लगाया, यहाँ पे स्टारक लगाया, ये आपको स्टारक लगा दिया, फिर सी आउट किया, यहाँ पे एंड लाइन दिया। अब एंड लाइन यहाँ पे लेने थे बल्कि इसके साथ ही, बल्कि एक इसका दे देते और एक और एंड लाइन ले लेते ताकि दो लाइन छोड़ के हो जाए, ये एंड लाइन क्वेश्चन का ले लेते। जो है क्वेश्चन बनाया हमने, ठीक है क्या क्वेश्चन बनाएंगे, सपोज वी व्हाट इज सी प्लस प्लस, ठीक है यहाँ पे सी आउट किया, लेस देन एंड लाइन लगाया, उसके बाद ऑप्शन ए बताना है हमने आगे, तो ये एंड लाइन के आगे लेस देन लगा के ए ऑप्शन बता दिया क्या है सी प्लस प्लस। यहाँ पे हमने लिख दिया हार्डवेयर, ठीक है बस अभी सी को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और ये पेस्ट 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 कर दिया, चार ऑप्शन बना दो। तो बी पे हमने कर दिया इसको सपोज टू बी कंप्यूटर, सी पर कर दिया हमने इंग्लिश वर्ड, सी बी पे कर दिया हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है देखते हैं आउटपुट क्या रहा है। F11 दबाया, कंपाइल किया प्रोग्राम को, क्योंकि लेस देन शायद नहीं लगाया हमने कहीं पे, हैंडल तो सही कह रहा है कि सी आउट स्पेलिंग गलत है इसके, चल गई एप्लीकेशन ये। अभी इसका आउटपुट दिख रहा है, तो देखें आ गया सब, और भी सीख रख दिया। अब यूजर के लिए ऑप्शन क्रिएट करना है, तो यूजर के लिए ऑप्शन कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर देंगे सी आउट एंड लाइन लेसन लेसन, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम चॉइस के नाम से यहाँ टॉप पर लिखेंगे सी एच आर चॉइस। अब यहाँ पर आपने सीखा कि करेक्टर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिंगल करेक्टर, इसमें सिर्फ एक ही करेक्टर को अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत है, अगर आप ज्यादा भी लिखेंगे तो पहला लेटर अपने अंदर स्टोर करेंगे सभी को। तो अब इसके अंदर इनपुट लेंगे कैसे, न्यू लाइन पर एक मैसेज दिखाई देगा यूजर को, क्या है एंटर चॉइस, ठीक है। अब उसके बाद वो जो इनपुट लेगा ये मैसेज के बाद इनपुट, तो इनपुट के लिए सी इन फंक्शन लिखेंगे ग्रेटर देन के साथ, और उसमें चॉइस वाले वेरिएबल के अंदर इनपुट को सेट करेंगे, वो चॉइस वाले वेरिएबल में जाके सेट हो जाएगा। अब चेक करेंगे चॉइस को क्या है ये, तो यहाँ पर टेस्ट करने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है कि भाई जो आंसर सही है उसका नाम है इफ फंक्शन, ठीक है, और उसके आगे दो ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब इफ फंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, एक्सटेंशन से ये कह रहे हैं कि भाई देखो इसमें सही कौन सा है, तो सही है ये वाला, या तो हम इस फंक्शन को ऐसे यूज करें एक एक को चेक करवाए, इसको चेक करो इसको चेक करो इसको चेक करो, भाई जब हमें पता है ये तीन गलत हैं और एक सही है तो सही वाले को चेक करा लेते हैं, गलत वाले तो गलत ही, तो इफ वाले फंक्शन को यूज करेंगे हम एल्स कंडीशन के साथ, किसके साथ एल्स के साथ, ये एल्स आ गया और ये उसके ब्रैकेट आ गया, यानी कि इफ के साथ यूज होगा एल्स। हम कह रहे हैं इफ चेक करो चॉइस, चॉइस वाले वेरिएबल को चेक करो, चेक करेगा ठीक है,
कि इसमें क्या है, कौन सी वैल्यू। तो हम कहेंगे अगर ये बराबर है डबल इक्वल सिंगल कोट्स में, हमेशा याद रखें जब भी कैरेक्टर को चेक कराएंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे डी के। अब यहाँ पे मैंने कैपिटल डी लिखा है सिंगल कोट के अंदर, चेक करो अगर उसके अंदर डी किसी ने प्रेस किया है कैपिटल तो क्या करो। तो मैंने कहा भाई ये करो कि आंसर सी आउट लेस देन एंड लाइन और आंसर शो कर दो करेक्ट। ठीक है, और अगर आप दो और एंड लाइन देना चाह रहे हैं तो दो भी दे सकते हैं। एल्स एल्स पे हमने यही पे स्टेटमेंट लिया और यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा अगर कोई भी लेता है डी के अलावा तो वहां पे क्या लिख दे, रॉन्ग। ठीक है, या तो करेक्ट दिखाए या फिर रॉन्ग लिखा। ये वाला पार्ट उस वक्त रन होगा जब कोई यहाँ पर इनपुट देगा इधर कैपिटल डी, तो ये वाला पार्ट इसका रन होगा, ये नहीं होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी इनपुट किया तो ये वाला पार्ट इनपुट रन नहीं होगा बल्कि ये वाला पार्ट होगा, ये वाला रन नहीं होगा। ओके, चेक करते हैं प्रोग्राम को चलाया हमने, कंपाइल किया। देखें आ रहा है इंटर चॉइस सही। ओके, अब इसको मैं डाल रहा हूँ कैपिटल डी, कैपिटल डी डाल रहा हूँ, लिखा इंटर, क्या दिखा रहा है राइट। सिमिलरली अगर इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं और अब कुछ गलत ऑप्शन डालेंगे, चेक करेंगे कि इसको क्या दिखा रहा है। तो अब डालना कैपिटल सी, क्या दिखा रहा है। अब यहां पर एक चीज और पैदा होती है कि ये तो कैपिटल डी डाला हमने, अगर हम स्मॉल डी डालें फिर क्या बताएगा, करेक्ट या रॉन्ग। रॉन्ग बताएगा, क्यों। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की अलग अलग मीनिंग होती है। अगर मैं यहाँ डी लिख रहा हूं और वो स्मॉल है, हालांकि आंसर करेक्ट है, लेकिन फिर भी क्या दिखा रहा है। इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें कि कैपिटल डी लिखे कोई या स्मॉल डी लिखे, दोनों सूरतों में आंसर क्या दिखाए, करेक्ट। तो उसके लिए चॉइस को जहां हमने चेक किया डी के साथ, या तो हम दोबारा से प्रोग्राम लिखे फिर कॉपी करके पेस्ट करें, उससे बेहतर है कोड को बचाने के लिए हम यहाँ एक ऑपरेटर यूज करेंगे शिफ्ट के साथ, या इंटर के ऊपर एक निशान है, पाइप ऑपरेटर कहते हैं इसको, पाइप साइन। क्या कहते हैं ये ऑपरेटर, क्या काम करेगा यहाँ पे, काम करेगा ओ आर का, और का, किसका, और के मायने क्या होते हैं, या। चेक करो चॉइस की वैल्यू या तो कैपिटल डी है या क्या, या फिर चॉइस की वैल्यू दोबारा से लिखेंगे आगे स्मॉल डी है। अब हमारा प्रोग्राम थोड़ा और इंटेलिजेंट हो गया, मतलब वो चेक करेगा क्या चॉइस में कैपिटल डी है तो ठीक है ये कोड चला दो, क्या चॉइस में स्मॉल डी है तो ठीक है ये कोड चला दो, दोनों सूरतों में यही कोड चलेगा। ये कोड सिर्फ उस सूरत में चलेगा जब ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होगा। चलें यहाँ पे दोबारा से रन करके देखते हैं। एप्लीकेशन रन हो गई हमारी, ओके। अब मैं डाल रहा हूँ स्मॉल डी, क्या बता रहा है, करेक्ट सही। अब हमें आगे सवाल और बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास स्ट्रक्चर तो बना हुआ ही है, हम क्या करेंगे ये पूरा सवाल उठाया हमने यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक ख्याल ये करना है कि यहाँ पे एक लाइन का एडल और डाल दो ताकि अगला सवाल दो लाइन के बाद नजर आए। तो ये हमने लिया पूरा क्वेश्चन का, हमने स्ट्रक्चर तो बनाया हुआ ही है ना यहाँ पे, ठीक है।
क्या करेंगे? क्या कर दिया? स्पेस कंट्रोल में। अब सवाल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एंटर चॉइस सेम रहेगा, चॉइस का वेरिएबल ऊपर एक ही दफा डिक्लेयर होगा, बार बार रीअसाइन होता रहेगा, चेक होता रहेगा, उससे फर्क नहीं। सिर्फ यहाँ पे आंसर ये वाला सही है तो यहाँ पे चेक करेंगे, कैपिटल बी और स्मॉल, अब चलाते हैं अपने प्रोग्राम में। इस तरह जितने सवाल बनाने हैं बनाते जाएंगे, क्वेश्चन और उसके ऑप्शन चेंज करेंगे, प्लस में हम उसका जो चॉइस है उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ओके, पहले वाले आंसर को मैंने थोड़ा सा गलत डाल दिया सी, दूसरे वाले आंसर को मैंने सही डाल दिया बी, सही बता रहे। तो इस तरह आपकी एक एमसीक्यूज ऐप बन गई। अब इसके आपके लिए क्या टास्क है इसके अंदर? आपके लिए एक टास्क है इसके अंदर, टास्क ये है कि आपने ये करना है कि जैसे ये रॉन्ग करेक्ट बता रहा है, ऐसे 5 सवाल आप बनाएंगे, तो जो जो यूजर करता जाएगा रॉन्ग करेक्ट वगैरह आता जाएगा, लास्ट में एक मैसेज लिखा हुआ है रिजल्ट, और उसके आगे लिखा है करेक्ट, रिजल्ट के नीचे करेक्ट, जितने करेक्ट हैं उसके आगे उनका नंबर आ जाए, 5 में से 3 करेक्ट है तो 3, और रॉन्ग रॉन्ग के आगे अगर 5 में से 2 गलत हुए तो 2 उस पे आ जाए। ये आपको खुद बनाना है।